नमस्ते गूगल, दिस इज दात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे कंट्रीज की जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं काफ़ी चीप प्राइजेज में, खासकर इंडिया से। ऑफकोर्स आप इंडिया से देख रहे हैं तो मैं इंडिया से ही बात करूँगा, खास का मतलब क्या होता है, बट कोई बात नहीं। पंखा बंद है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफ़ी गर्मी लग रही है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब भी इंडिया से बाहर ट्रैवलिंग की बात आती है तो ऑफकोर्स एक अच्छा खासा बजट रखना पड़ता है, ऐसा आप सबको लगता है, बट हर कंट्री महंगी नहीं होती है। हर कंट्री का एक अपना बजट होता है और हर एक फॉरेन कंट्री जाना आप के लिए ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तो आप लुट के आ जाएंगे। काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं इंडिया के पास में, थोड़ी सी दूर में, जहाँ पे आप अच्छे से एक बजट के अंदर पैसा खर्च कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, भले आप फैमिली के साथ हो या दोस्तों के साथ। आप किसी भी फॉरेन कंट्री का जाने का प्लान करते हैं, कभी भी करें, आप साल में किसी के साथ भी करें, एक जो मेन खर्चा आता है, बड़ा खर्चा आता है कि आप वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, खासकर फ्लाइट का खर्चा। अगर मान लीजिए आप मेघालय जाना चाहते हैं तो 13-14 thousand इंदौर से, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ से फ्लाइट का खर्चा आने और जाने का दोनों का। तो भले मेरे मेघालय जाके 10-15 thousand रुपये खर्च हों, बट मेरी 10-15 thousand फ्लाइट के भी खर्च होंगे, जो कि काफ़ी बड़ा एक हिस्सा है किसी भी बजट ट्रिप का। आई थिंक आप सब लोग समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, फ्लाइट का पैसा हमेशा ज़्यादा होता है, बट इन कंट्रीज में इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, शुरू करते हैं, सीधे वीडियो पर आते हैं। और जो फर्स्ट कंट्री है वो है नेपाल, जो कि ऑफकोर्स इंडिया के काफ़ी करीब है, फॉरेन कंट्री भी है और इंडिया जैसी भी है, पर यहाँ पर अगर आप फ्लाइट लेंगे न्यू दिल्ली से 29 अप्रैल 2019 को, तो वन वे का जो टिकट है एक पर्सन के लिए, उसका प्राइस है 4,500 इंडियन रुपीज़। आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, प्रूफ है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी प्राइस है उन सबका प्रूफ दूंगा, स्क्रीनशॉट दूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे मैं मन से बना बना के प्राइस आपको बता रहा हूँ। फ्लाइट के लिए जो मैंने डेट चूज़ की है सारी की सारी इस आप वीडियो के लिए, वो है 29 अप्रैल 2019, और मोस्टली जो डेस्टिनेशन है वो है न्यू दिल्ली से। अगर मैं चेंज करूँगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बिना बताए चेंज नहीं करूँगा। और प्लस अगर प्राइस चेंज होते हैं, मान लीजिए वीडियो आप 6 महीने बाद देखते हैं प्राइसेस चेंज है, तो कमेंट सेक्शन में गाली मत दीजिएगा, फ्लाइट के प्राइस चेंज होते हैं, मेरे हाथ में नहीं है ये। और ऑफकोर्स अगर आप फ्लाइट 1-1.5 महीने पहले बुक करेंगे तो आपको काफ़ी कम पैसे देने पड़ेंगे। तो यार नेपाल जाने के लिए आप आना और जाना 8-8,500 रुपये में एक बंदे का आराम से आपका हो जाएगा। अगर आप अप्रैल के महीने में दिल्ली से टिकट बुक करते हैं, ऑफकोर्स मुंबई से प्राइस अलग होगा। सेकेंड जो कंट्री है उसका नाम है श्रीलंका। अगर आप श्रीलंका जाएंगे तो ऑफकोर्स श्रीलंका साउथ में सबको पता है काफ़ी पास में, और क्या श्रीलंका वर्ल्ड कप जीतेगी? मुझे नहीं लगता जीतने वाले आने वाले कुछ सालों में, बट होप फॉर द बेस्ट। अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हैं न्यू दिल्ली से, तो जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 9,500 इंडियन रुपीज़। डेट सेम रखी है मैंने, और 9,500 इंडियन रुपीज़ एक साइड का है, मतलब वन वे है, ऑफकोर्स समझ गए होंगे आप लोग। अगर यही अगर आप चीपेस्ट फ्लाइट लेंगे, चीपेस्ट फ्लाइट के लिए आपको प्राइस देना नहीं पड़ेगा 7,500 इंडियन रुपीज़। चेन्नई से अगर आप फ्लाइट लेंगे, क्योंकि चेन्नई ऑफकोर्स पास में है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो से, तो जो आपको प्राइस देना पड़ेगा वो है काफ़ी ज़्यादा कम, मात्र 4,500 इंडियन रुपीज़। मान लीजिए आप ट्रेन से जाते हैं चेन्नई, काफ़ी पैसा बचा लेंगे आप, और चेन्नई से श्रीलंका की कैपिटल जाने के लिए आप 4,500-8,500 रुपये में आना जाना दोनों कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से कुछ ज़्यादा दूर ट्रैवल करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंडियंस इस कंट्री में जाते हैं, तो इस कंट्री का नाम है वियतनाम। वियतनाम में जाना शायद से थोड़ा सा महंगा हो, जैसे कि अगर आप हो ची मिन्ह सिटी जाएंगे न्यू दिल्ली से 29 अप्रैल की रात को, तो आपको जो एक बंदे का प्राइस पे करना पड़ेगा वन वे के लिए वो होगा 13,000 इंडियन रुपीज़। और 13,000 चीपेस्ट है, यानी कि इसमें जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको बेस्ट प्राइस चाहिए, कम से कम टाइम पर आपको वहाँ पहुँचना है, तो जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 19,000 इंडियन रुपीज़। एक बात का ध्यान रखें, वियतनाम काफ़ी सस्ती कंट्री है, इनकी करेंसी भी इंडियन करेंसी से काफ़ी कम है, तो आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस रहेंगे, बट हाँ आपको फ्लाइट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अगर मैं बजट की बात करी ना तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप इंडिया में कहीं पर भी होटल बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओयो होटल्स का, आप उस पर जाके क्लिक कीजिए, मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिए, आपको मिलेगा 40% ऑफ अप्रैल एंड तक, तो प्लीज़ यूज़ कीजिए उसको। नेक्स्ट कंट्री का अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती है। इस कंट्री का नाम है थाईलैंड और इसकी कैपिटल है बैंकॉक। ऑफकोर्स काफ़ी सारे इंडियंस यहाँ पे जाते हैं, मैंने खुद ने काफ़ी सारे वीडियोस इस एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर बनाए हैं। तो अगर आप कोलकाता से बैंकॉक के लिए फ़्लाइट लेंगे तो आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा मात्र मीठा मीठा 5,500 इंडियन रुपीज़ एक साइड का, यानी कि 10-11,000 रुपये के बीच में आप यहाँ पर एक बंदा आना और जाना दोनों कर सकता है। अगर आप दिल्ली से लेंगे या फ्लाइट
फ्लाइट, तो आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 7,500 इंडियन रुपीज़। अगेन 13,000 to 14,000 में आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल अगर दिल्ली ले लीजिए, कोलकाता ले लीजिए, जो प्राइस है काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो कंट्री है वहाँ पे घूमना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, बट यहाँ पे पहुँचना इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं इंडिया से, न्यू दिल्ली से, तो आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा वन वे के लिए वो होगा 14,500 इंडियन रुपीज़। अगर आप ये 14,500 इंडियन रुपीज़ नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है चीपेस्ट फ्लाइट का। आप न्यू दिल्ली से अगर चीपेस्ट फ्लाइट लेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे मात्र 9,500 इंडियन रुपीज़। हाँ, ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर आप ड्यूरेशन झेल सकते हैं, अगर आपका बजट एकदम ही टाइट है तो आप इसको एक बार तो एटलीस्ट थोड़ा सा झेल सकते हैं। मतलब 4,000-5,000 के अंदर झेल लेंगे तो आप सिंगापुर तक पहुंच जाएंगे एक अच्छे बजट के अंदर। अगली कंट्री है सिंगापुर की नेबर, और यहां तक पहुंचने के लिए जो है न्यू दिल्ली से मलेशिया के बीच का रास्ता आपको तय करना है फ्लाइट में, तो आपको जो पैसे पे करने पड़ेंगे वो होंगे 6,500 इंडियन रुपीज़ वन वे। अब बात कर लेते हैं काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, जो है इंडोनेशिया। अगर आप न्यू दिल्ली से इंडोनेशिया जाएंगे, खासकर बाली, तो आपको जो पैसे पे करने पड़ेंगे बाली के लिए वो होंगे 15,500 इंडियन रुपीज़ एक बंदे के लिए वन साइड के। अगर आप यही जकार्ता जाएंगे तो आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 13,500 इंडियन रुपीज़। अब जो डेस्टिनेशन का मैं बात करने वाला हूँ वो काफ़ी एक्साइटिंग है, खासकर हनीमून ट्रैवलर्स के बीच में। यह है मालदीव्स की कैपिटल माले। अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं खासकर न्यू दिल्ली से, तो जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा मतलब गर्मी की वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 15,500 इंडियन रुपीज़ वन साइड के एक बंदे के लिए। अगर आप यही बैंगलोर से फ्लाइट लेंगे यहाँ के लिए, तो जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा वो है काफ़ी ज़्यादा कम, मात्र 5,000 इंडियन रुपीज़ एक बंदे के लिए वन वे के लिए। यानी कि अगर दो लोग हैं तो 20,000 में आपका काम आराम से हो जाना चाहिए। इसलिए इसके आखिरी जो फ्लाइट है वो है न्यू दिल्ली से टर्की के लिए। फ्लाइट बोले तो प्लेस टर्की, अगर आपको जाना है तो आप दिल्ली से फ्लाइट ले सकते हैं, जो आपको पड़ेगी 13,000 इंडियन रुपीज़ के लिए, अगेन वन वे वन पर्सन के लिए। डेट सेम है 29 अप्रैल 2019। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो यार, और इस वीडियो को लाइक कर दो। और एक चीज़ आपको बतानी है कि YouTube का जस्ट मुझे मेल आया, उन्होंने बोला कि फैन फेस्ट में उनके पास मेरे लिए जगह नहीं है, दे आर फुल। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगले साल मुझे जाना है फैन फेस्ट में, और शायद आप लोगों से भी मिल जाऊं, और शायद मेरा चैनल इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, और मैं खुद काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।